अभी हमारे फार्मर्स को पता नहीं है कि काऊ को कब इंसिमिनेशन करना है, तो इंसिमिनेशन के लिए ये एक्टिविटी मेजरमेंट होता है, एक्टिविटी पे दिखाएगा कि भाई काऊ को अभी एआई करना है, और अगर एआई करने पे वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका बेनिफिट उसको एक काफ मिलेगा और आगे मिल्क प्रोडक्शन भी मिलेगा। ये सिस्टम में कैसा है कि एनिमल्स में ये बेल्ट लगाया जाता है काऊ कॉलर, और काऊ कॉलर्स के अंदर एक्सेलेरोमीटर है, जैसे हम घड़ी पहनते हैं स्मार्ट वॉच, उसमें हमें पता लगता है कितने स्टेप्स हमने लिए है, हार्ट बीट्स क्या है, उसी हिसाब से एक्सेलेरोमीटर ये काम करता है कि कितनी एक्टिविटी है और वो कितने पीरियड तक एक्टिव है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, तो वो दिखाता है हमें कि भाई ये हाई एक्टिव है तो हमें एआई करने का टाइम है। टेम्परेचर सेंसर दिखाएगा कि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। टेक्नोलॉजी तो वही है कि ये टैग्स लगाता है, उसके अंदर एक्सेलेरोमीटर है, और गेटवे से आपको यहाँ पूरा दिखेगा कि ये काऊ कॉलर लगा है, ये गेटवे है, ये डेटा लेता रहता है कि भाई यहाँ कितना है, और जैसे ही कुछ मिलेगा तो ये सिस्टम उसको मैसेज देगा कि भाई आपका ये पर्टिकुलर काऊ अभी हीट में है, काइंडली चेक। इसमें जीपीएस लोकेशन है और आरएफआईडी सेंसर्स और वो सब उसके अंदर है, तो वो एंटेना से वहाँ से कैप्चर करता रहता है। जीपीएस लोकेशन भी इससे मिलेगा। काऊ कॉलर और उसका कॉस्ट में ऐसे बता दें कि जो उसका एंटेना है या गेटवे जो है, वो गेटवे का कॉस्ट रहता है हमारा 80,000 के आसपास करीब, और नंबर ऑफ टैग्स के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब एक गेटवे से हम करीबन 1,000 से 1,500 टैग्स कवर कर सकते हैं। तो अगर गांव में सब लोग इकट्ठे होकर ये सिस्टम लेना चाहेंगे तो सबके पास टैग्स हमें 3,500 से 4,000 के आसपास में टैग मिलेगा, और जो गेटवे है उसका कॉस्ट हम जीरो कर सकते हैं। कि अगर ये मॉडल किसी को दे दिया तो कोई काऊ को 5 रुपये पर काऊ पर डे के हिसाब से, या 5, 7, 10 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन फी जो मोबाइल हम चार्ज करते हैं उसी हिसाब से, कि आप अगर उसको पर डे के हिसाब से महीने का 150-200 रुपये 250 रुपये चार्ज पे करोगे तो वो आपको ऐसे सिस्टम मिल जाएगा। ये बैटरी सिस्टम होता है, वो बैटरी का लाइफ होता है 5 से 6 साल, और ये बैटरी रिप्लेसेबल है, मतलब आपको ये डिवाइस को फेंकना नहीं है, रीयूजेबल है बैटरी, आपको चेंज करो और आप फिर उसको यूज़ कर सकते हो। किसान को एक ही अभी फ़ायदा है कि अगर उन्होंने प्रेगनेंसी मिस कर दी, उनको पता नहीं है कि एआई करना है, एक एआई का लॉस जो होता है ना, वो एवरी मंथ 5 से 6 हज़ार का लॉस हो सकता है उनको मिल्क प्रोडक्शन और बछड़े का। तो इंडिया के अंदर काफ़ी इंडिविजुअल फार्मर है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेन के जो सिस्टम है उसमें 15 से 16 हज़ार का ये टैक्स आता है और एंटीना अलग से लेना पड़ता है, जो किसी फार्मर को नहीं होता है बेनिफिट। बट अगर ये सिस्टम में दोगा तो अगर सब्सक्रिप्शन या इंडिविजुअल बेस पे अगर वो लेना चाहे तो उनको काऊ का एनिमल आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से उसका कब इंसेमिनेशन करना है वो पता। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook, and Kuu.